जम्मू कश्मीर हमेशा से ही सैलानियों की पसंदीदा जगह रही है। यहाँ पर कई मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, जो सीजन में सैलानियों से गुलजार रहते हैं। लेकिन अब कोशिश हो रही है टूरिज्म के दायरे को और बढ़ाने की। इसी कोशिश के तहत नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर किया जा रहा है और सैलानियों को आकर्षित करने के लिए उन्हें तैयार भी किया जा रहा है। देखिए, बांदीपुर को इसी तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। कोशिश यही है कि आने वाले समय में बांदीपुरा सैलानियों की पहली पसंद बन जाए। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में चाय का थर्मस और इस दल के आखिर में झंडा पकड़े चलता है युवा। ये तस्वीरें धरती के स्वर्ग के खूबसूरत नजारों को अपनी आंखों में कैद करने के लिए निकले घाटी के कुछ दिलेरों की हैं। ये सभी बर्फ से पटे पहाड़ों पर नई राह बनाते हुए तेजी से आगे बढ़ते नजर आए। इस बीच कुदरत की गोद में इनकी मौज मस्ती भी चरम पर दिखी। कुछ लोग बर्फ से लदी वादी में लोटपोट हो गए, जबकि कुछ सेल्फी लेने में व्यस्त नजर आए। इतना ही नहीं, इन लोगों ने एक दूसरे पर बर्फ के गोले बनाकर भी फेंके। लंबा सफर और मौज मस्ती के बाद जंगल में चूल्हे पर खाना तैयार किया गया। फिर सभी ने मिलकर पेट पूजा की और निकल गए अपने अगले पड़ाव की तरफ। असल में जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में प्रशासन ने कई नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तलाश की है, जिन्हें खासकर बर्फबारी के मौसम के लिए तैयार किया गया है। इनमें सैलानी ट्रैकिंग और जंगल सफारी का मजा ले सकते हैं। बांदीपुरा में रहने वाले 14 लोग इन्हीं टूरिस्ट प्लेस की खूबसूरती को निहारने पहुंचे। मेरी जो सारी टीम और मैं जो आए हैं आज यहाँ पे नागमरग, इस वजह से आए हैं कि इस एरिया को एक्सप्लोर किया जाए, कि जो ये एरिया जो है ये पहलगाम से, गुलमर्ग से, सोनमर्ग से और जो भी खूबसूरत जगह वादी कश्मीर में है उनसे भी बेहतर है, बहुत खूबसूरत है। अभी यहाँ लोकल लोग ही पहुँच पा रहे हैं, लेकिन आने वाले सालों में दूसरे राज्यों से भी सैलानी यहाँ पहुँचेंगे। आने वाले टाइम में हमें बहुत फायदा होगा, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि इसका काम जल्दी जल्दी लगना चाहिए, तो उससे हमारी बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी तो और बाहर से भी काफी लोग यहाँ पे आएंगे देखने के लिए। इन नए टूरिस्ट स्पॉट के गुलजार होने से लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे सबसे ज्यादा फायदा यहाँ के युवाओं को होगा। यहाँ देखने के लायक सबसे पहले सर ये नागामर्ग, नचनी, किमसर है, लस्कूट है सर, डुमगली है, तो अगर कम से कम यहाँ से 4 फुट से ऊपर बर्फ है, 4-5 फुट तक होगी बर्फ। यही वजह है कि वन विभाग और जिला प्रशासन लगातार ऐसे स्पॉट्स तलाश रहा है जिन्हें तलाश कर टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। इस बर्फबारी ने कश्मीर में विंटर टूरिज्म को काफी बढ़ावा दिया है और हजारों की तादाद में पर्यटक जो है अब कश्मीर में इस बर्फबारी का मजा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर।